अरे पंडितायन, अरे सुनती होगा पंडितायन, क्या है हर वक्त चिल्लाते ही रहते हो, कुछ काम धंधा तो है नहीं तुम पे, है ना? लेके इस कॉपी को। अरे तो ये हमारी पत्रिका है, तो वो कॉपी को, मतलब ये कैसी बेहूदी बातें कर रही हैं आप? अरे तुम मुझे मत सिखाओ, बताओ क्या काम है। हाँ, क्यों बुला रहे थे? अरे हमें ऐसे ही बुला रहे हैं, हमें तो चाय पानी मिलेगा। कुछ करके आयो, कुछ काम धंधा करके आए हो जो तुम्हें कुल्लर पिला दूं? अरे तो पंडितान देखो हम कितनी मेहनत, और देखो कोई जहाँ जाते हैं हम वहाँ में काम मिलता ही नहीं है। हाँ हाँ, क्योंकि काम ही ऐसा पकड़ रखा था, काम मिलेगा कहाँ से। अरे तो कथा तो सब करते हैं भाई, हम भी कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी किस्मत की बात है, ईश्वर ने हमें जितना दिया हमारे उसमें उतना, हमारे भाग में उतना ही तो आएगा। लेकिन ईश्वर ने जितना दिया उससे काम नहीं चलेगा, आने वाला भविष्य भी देखना पड़ेगा, समझ में आ गई ना? अरे तो पंडितान तुम दुखी में हो, ये बताओ हम तो तुम्हें कितना खुश लग रहे हैं। अरे तो दुखी में नहीं है तो सुखी में भी नहीं है। अरे तो जब बेहूदी बातें ठीक नहीं लगती, तो तुम एक पंडित की धर्म पत्नी है क्या तुम्हें ऐसी बात करने में? यही तो दुख है कि हम एक पंडित की बीवी हैं। अरे तो तुम है क्या, मतलब ऐसी बेहूदी बातें मत किया। बेहूदी बात नहीं कर रहे, देखो पंडित जी हम तुम्हें सही बता दे रहे हैं। हाँ अरे तो हम परेशान हो गए अब तुमसे, मुझे तो एक बात बताओ, इन्हें क्या फायदा मिल रहा हो तुम्हें, मतलब क्या फायदा मिल रहा है इन चीजों से तुम्हें? अरे तो पंडितान फायदा नहीं है इससे, ये बताओ तुम क्या फायदा मिल रहा है? अरे इससे हम कथा वाचते हैं क्या, भागवत हमारा। अरे तो क्यों नहीं जाते कथा सुनाने किसी को, क्यों पड़े रहते हो घर में, कुछ करना नहीं धरना नहीं। अरे चलो ये काम अगर तुमने सीखा है तो इस काम को भी तो करो। तो पंडितान हम करते नहीं है, अब ये है कि हमारे भाग्य में नहीं है, कोई नहीं करवा रहा है, तो क्या उससे जबरदस्ती उसके घर में घुस के जब अरे तो भागवत करो कहीं जाके। अरे तो अब भागवत कहाँ चल रही है तुम्हें मालूम नहीं है, ये बरसात का मौसम चल रहा है। तो एक काम करो, हाँ? कुछ नहीं चल रहा तो जाके कहीं मंदिर में मर जाओ, समझ में आ गई ना? हाँ, जाके वही मर जाओ। अरे तुम्हारे बस की नहीं है कुछ भी, तुमने तो हमारा जीना दुश्वार कर रखा है घर में, कुछ करना नहीं धरना नहीं, है ना? अरे क्या, क्या फायदा है इन चीजों को लेने लेके ढोलने? अरे तू शांत है, तुम भेद खराब मत करे, मैं मंदिर में ही जा रहा हूँ। हाँ तो जाओ वहीं मर जाओ जाके, मेरा दिमाग खराब कर दिया, मर जाना वहीं पे जाके जाओ, समझ में आ गई ना? जन्म दुखी कर दिया इन पंडित जी ने तो हमारा। अरे पंडिताइन, अरे सेठाइन, और कैसे हो? बस ठीक हूँ, तुम सुनाओ? हम भी बढ़िया हैं, और घर पे सब बढ़िया? अरे घर पे तो सब ठीक है, ना भी है, ऐसे ही है, सब हाल ऐसे ही है। क्या और तुम्हारे पंडित जी के क्या हाल है? अरे काम वाम करें कुछ ना? अरे अब बहन क्या बताऊं तुम्हें, पंडित जी के तो बहुत बुरे हाल है, और संग में मेरे बुरे हाल कर रखे हैं। अरे ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या बात होगी, ना कुछ करते ना कुछ डरते, आराम से बस वो सन्यास पीला कुर्ता पहना और बस इधर से उधर घूमे आना, घर में कोई काम तो है नहीं, है कि नहीं? सही बात। अब ये है कि ना तो कहीं कथा पढ़ने जाते, ना कहीं कुछ करने जाते, कोई काम नहीं है उनपे, तो बड़ा दिमाग खराब। सही कह रही हो। अब एक हमारे बुआ सेठ जी, अच्छा वो नेक भी सुन के नहीं, कमाते दमाते सब काम बढ़िया चल रहे हैं, अब सेठ है भाई और हम भी सेठानी है। सही बात है। तो हम ये कहें थोड़ा मान दमानों को थोड़ा दान भान करते रहा करो, देखो दान करने से पुण्य मिलता है, पुण्य मिलता है। वो नहीं सुनते, अच्छा दो पैसे ना खर्च कर सकते हैं किसी के साथ में, अच्छा दो रुपए की ना सुनते हैं वो, तो बड़ी ऐसे ही है। तुम्हारे पास तो सब कुछ होते हुए तुम्हारे सेठ जी कुछ देते नहीं है किसी को, और हमारे पास कुछ नहीं होते हुए और हम फिर भी दे देते हैं, हमारे पास जो भी होता है जो कर देती हूँ मैं अपने पास से कर देती हूँ चुप्पा चोरी, अच्छा वो नहीं कुछ करने देते। अरे अब ये समझ, मेरे पास तो देने के लिए कुछ है भी तो नहीं, मान लो चुप्पा चोरी मैं भी कर दूं, लेकिन हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमसे अगर कोई पड़ोस में अगर कोई मांगने भी आया क्या मुंगे, हमारे पास नहीं है। वैसे तुम्हारे पंडित जी तो कथा भागवत भी करें, वो पैसा कहाँ डाले वो तुम्हें दे? अरे कुछ भी ना करते, कुछ भी ये घर में मरे पड़े रहे, मैं सही बताऊं आज मैंने धक्का मार के निकाल दिए इनकी, बाहर जाके मर जाओ, कोई जाके कथा पता पड़ जाओ, जाके कहीं भागवत तैयारी हो तो वहां कुछ कहीं थोड़ी बहुत देर बैठ के आओ, समझ में आ गई ना? बहुत दिमाग खराब है बहन मेरा तो, अब पता क्या करूं, मैं तो बड़ी परेशान रहती हूं मैं तो इसी चीज से, ठीक है ना? अरे मैं भी तुम्हारे सेठ जी से बहुत परेशान हूँ, क्या कह दूं इन लोगों के लिए, तो बहुत ही ज्यादा नाक में दम कर रखा, अब तुम पे नहीं है तो तुम परेशान, हम पे है तो हमारा आदमी करना ना चाहे। अरे अब बस ये सोच लो कि बहुत दिमाग खराब हो रहा है, अब क्या? चलो ठीक है, चलो ठीक है, मैं तो ठीक है, नमस्ते दीदी, आप ही रहना, ठीक है पंडित। अरे सेठानी। हाँ जी। कहाँ डोली आई? अरे वहाँ गई थी पंडितानी की तरफ, जरा पंडितानी की तरफ। हाँ का करने? और तुम कहाँ थे?
तो नहीं बैठो बाहर, यही बैठे। वो दरवाजे को छोड़ा मत करो जरा अभी, ठीक है? मैं कहती हूँ अब पीछे वाले मंदिर पे वो चल रही है भागवत, वहां जाके थोड़ी भागवत भागवत सुन लिया करो। वही बैठो बैठो, देख रहा मेरी आवाज तो कहीं से आ रही है। हाँ आवाज आ रही है, वहां जा ना सकते हो क्योंकि वहां जाओगे तो तुम्हें दान पुण्य करना पड़ेगा। सो तुम खानदानी भीचू हो, तुम तो बस दान पुण्य के नाम से जेब को थोड़ा भींच लिया करो। भींच के तो हमेशा ही रहते हो ना, कभी ये सोचते हो कि कोई खर्चा है या इसको 150 रुपए दे दो, 1500 रुपए दे दो। चलो आप दान पुण्य नहीं कर रहे हो तो मैं ही कर दूं। लाओ पैसे है यार, क्या बात कर रही है, 1000 रुपए दूंगा था। दे दो 1000 रुपए बस। हाँ चल रुक जा, अभी दो दूं, शाम को ले लियो। अरे तुम्हारी शाम होगी 3-4 दिन बाद। अभी एक जगह और जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ काम से। बस इस बात का फेरा लगा लेते हैं, कहाँ से पैसे आने हैं, कहाँ पैसे जाने हैं, कहाँ से ब्याज आएगी, कहाँ से क्या होगा। तुम इतना सुनो, तुम इतना जोड़ते हो, ये सब ले कहाँ जाओगे? छाती पे धर के ले जाओगे? तेरे को ले जाऊंगा सब, मैं जिंदी बैठी रहूंगी और क्या? ना मुझे ना जीना है तुम्हारे बिना। चल तो शाम तक रुक, शाम को दे दूंगा मैं। पक्का दे दोगे? चलो ठीक है, तो फिर ठीक है। वो माँ चले जाओ ना भागवत में कथा में, और तुम नगद दान पुण्य करी आओ। मैं चौना जाती नगद ज्ञान ध्यान की बात सीखो, नगद तुम में अकल आए। अब जाऊ कैसे वहाँ पे? हाँ तो कर रही रसीद कट रही है। कैसी रसीद? 2000 की 3000 की वो पे ना आई गुरबा में, कैसे जाऊँ? अरे काहे को तुम सेठ जी बोरा रहे हो, तुम तो जी चाहते 2000 की जगह 2000 रुपए लग जाए बस, पर जेब खाली ना हो। मैं तो कह रहा हूँ साफ मत जा, लाठी बच जा, सब रे काम है जा। सेठानी, और सेठानी। हाँ सेठ जी, क्या कह रहे? मैं जो कह रहा हूँ हाँ। मैं जा रहा हूँ भागवत में। हाँ चलो सही है, जाओ, थोड़ी अकल तो आई तुम्हें। हाँ देख के आऊँ कैसे का ज्ञान शिक्षा मिलता है, देख के आऊँ। तो नो कह रहा हूँ हाँ। 10-20 रुपए आऊँ तो ज्यादा, 10-20 रुपए ले जो 50 रुपए ले जाओ और चढ़ाएंगे जो तुम्हारा दिल कर रहा। 5 रुपए चढ़ाएंगे फिर 45 बचा। ये तुम काय को अति कर रहे हो सेठ जी, तुमने तो बिल्कुल ही तुखा के दद्दो। चढ़ाएंगे सब चढ़ाएंगे। हाँ। ना भाई मैं तो 5 चढ़ाए जाऊंगा, अगले काम आऊंगे। भाई रे भाई जी, आदमी को कहा हो, कल सुन में जाऊंगा जब काम आऊंगे। सही है सेठ जी, तुम मेरा वैसी सेठ जी नाम है, जाओ तुम जैसे जाओ वैसे आइयो। कौन समझा जा आदमी को, इतने लोभी है, मैं दे रही हूँ फिर ना मन कर रहा हूँ इनको चढ़ाने को। कहा आदमी है पंडित जी? राधे राधे सेठ जी, राधे 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 सेठ जी, खुश रहो। कहाँ जा रहे हो? बस सेठ जी कोई कथा पढ़वा दो ना, जहाँ मारे मंदिर पे जा रहे हैं कथा वाच पे। अच्छा मंदिर पे जा रहे हो? हाँ 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 सेठ जी मंदिर पे जा रहे हैं कथा वाच पे। तुम्हारा कोई तो है सुनने वालों को ना है? अरे सेठ जी कोई सुनने वालों तो ना है, लेकिन परमात्मा तो सुनने वालों हतु है। अच्छा भाई को सुना देंगे, बाकी कथा भाई को सुनाओ तो और प्रेम रस आवे हो कथा में। नो तो वो तो रहते काम में तो आ जाते हो। अरे आजकल आदमी जे काम में इतना बिजी है कि परमात्मा की कथा सुनो कोई ना चाहत। बुलावा लगवा देते ना आमंदनी आ जाती। तुम जब बातें कह रहे का है कि पैसा आमंदनी। हाँ अब जाई वजह दरार होते है। अब अभी हमारी जो पंडित आई ने उनने हमें दिखा दो कि जाओ कहूं जाए करो कहूं बाँच के तो आओ जाए, दिन भर लेके बैठते रहे तो। अच्छा अब जो है कि अब ईश्वर के पास ही चल रहे हैं, वो ही रास्ता दिखाएंगे। और तुम जा बात की कह रहे कि गांव में काबू नोतो ना दो। हाँ अरे तो जाको मतलब जे भैया के नोते की बात तो जे है कि आजकल आदमी के पास टाइम ना है। दूसरा नंबर आदमी इतना व्यस्त है वो है जे भोपट के झंझटन में जो कि ये काऊ काम के ना है, सिर्फ एक जे किताब है जाके सुन लेते मोक्षी प्राप्त होते है सेठ जी। तो आदमी कहा समझा बेकार में। तो तुम मंदिर पे जा रहे हो? हाँ। अरे नमस्ते सेठ जी, और सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया। कहाँ से आ रहे हैं? कहीं से ना, कथा में जा रहे हैं। कथा है रही है मंदिर पे? मंदिर पे कथा है रही है? हाँ तो चलो हम भी चलेंगे। वो पंडित जी आए? हाँ हाँ वो आए, कथा कर रहे हैं। वो तो ना पीछे वाले पंडित जी आए, वो तो चलने में हम भी सुन लेंगे तुम्हारे सहारे से कथा। 1 रुपया खर्चना होगा? 1 रुपया खर्चना होगा और का मतलब मेरी समझ में ना आई। अरे कथा की कथा सुनियांगे ठीक है, उन्हें का प्रसाद प्रसाद मारे आएंगे। तो कथा को भी फल जब मिल जाएगा जब तुम दान पुण्य करोगे मैं कछु। अरे पैसा हो जब तो दान पुण्य करूँ बाबू, पैसे सेठ जी तुम ऐसी बात कर रहे हो, तुम्हारे मुंह से तो अच्छी भी नहीं लग रही हमें। इतने इतने पैसा वाले आदमी है क्या तुम जो करोगे? कहा दान पुण्य करेंगे मैं कथा में,
सेठ जी मैंने बड़े बड़े लोभी देखे, तुम जैसा ना देखो। अच्छा तो ठीक है, चलो जब बात ने छोड़ो, तुम मोह को मिलियो और कथा में चलेंगे हम। चलो ठीक है सेठ जी, राम राम। राम राम। अरे जय हो प्रभु, जय हो, जय हो प्रभु की। अब मंदिर कितना बढ़िया पवित्र है, अब यही कथा बाचक करेंगे मैं, है का है। अब घर से तो मैं निकल गया, घर से टेंटे मेंटे से, अब प्रभु को प्रभु की कथा सुनाऊंगा। जय हो प्रभु दीन दयाल। अब यहीं बैठे की तैयारी कर लो भैया राम प्रसाद। चलो कथा वाचते हैं, भगवान को प्रभु की कथा सुनाते हैं। वक्रतुंड महाकार्य सूर्य कोटि समप्रभा, निर्वघ्नम करो मैं देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा ही धर्मस्य अर्थः धर्मा भारत अर्थोत्थानं धर्मस्य तदा तमाजे शिरजामेहम्। जय हो श्याम सुंदर प्रभु कृपा निधान। अब हमारी कथा पूरी हुई पंडित जी, अब घर चलो। देखो पंडिताइन के पास चल के देख रहे हैं। चलो भैया राम प्रसाद, अब कथा बाँचत बाँचत बहुत समय है वो, तो घर को निकले फिर अब है का। चलो अरे पंडिताइन, अरे पंडिताइन, अरे कहाँ गई, सुन ले। अरे बोलो, ये रे घर पे ही हूँ, और कहाँ जाऊंगी मैं। अच्छा अच्छा, मैंने कि कम निकल गई थी क्या, बराबर हमारी चाची गए। मैं कहीं ना जाती अपने घर को छोड़ के। अरे वो तो हमें मालूम है पंडिताइन कितनी बढ़िया सुलक्षणा नारी है। बताओ। अरे बस कहा बताए, अब कुछ कमा धमाके लाए नहीं लाए। देख कमा धमाके, देख पहली तू ऐसी बात करता कि कमा धमाके। अरे भगवान की कथा भगवान को सुना के आये हूँ, और तो भगवान पे अटूट विश्वास होना चाहिए। तू तो ऐसी मूर्ख बन रही है, वो हमें देखिए कितना बड़ा फल देंगे। अब हमें ये बताइए कि तुम कुछ पैसा वैसा कमा के लाए नहीं। देख वहां पे देख, कोई तो हतना हो ना, तो कोई पैसा चढ़ाए वारो, और ना कोई कछु पैसा चढ़ाए वारो दान दक्षिणा। तो देख भगवान की कथा पगली, तुम मतलब कब का बुद्धि कहाँ चली गई थी। चल भाई ऐसे पंडित के संग रह रही है, ऐसा तो पंडित तेरा पति पति है क्या है का तू। एक काम करो, जहाँ पे आयो जाके तुम महिमा जाओ जा। जब तुम कुछ कमा रहे नहीं, धमा रहे नहीं, कुछ पैसा नहीं लाए हैं। अरे तो अब ये बता मैं कौन हूँ, तू खुद बता मैं कौन हूँ। कोई तो ना हो, लेकिन हाँ एक ईश्वर है जिनते हम अपनी दिल की बात कह रहे। तो ईश्वर ने तुम्हें पैसा दे देगा। अरे बगली, अगर वो चाहे तो भंडार के भंडार भर दे, और वो चाहे तो कंकाल बना दे, भिखारी बना दे रोड पे। अरे जब करेंगे वो जब करेंगे, लेकिन अब इस समय पैसे की बहुत जरूरत है घर में। वो तो ऐसी लग रही है तेरे कोई कान तो ना भर गया, यहाँ पे कोई बुद्धि तेरी कहाँ चली गई चरवे। अरे भगवान, मैं तो सही में पंडित जी, मैं तो तुमसे बड़ी परेशान है गई। अरे मैं परेशान हूँ, तो मतलब कैसी बातें कर रही है भुली भुली। तुम मुझसे परेशान नहीं हो सकते, मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूँ। सही बताऊँ तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ बहुत ज्यादा। अरे भगवान को कथा सुनाई जाती है, लोगों को कथा सुनाई जाती है। कथा तो भगवान भगवान की सुनाई जाती है, कथा का मतलब का और आदमी की सुनाई जाता है। कि पंचायत की कथा होते है, कि प्रधानी की कथा होता है। तो भगवान की ही सुनाई जाती है, लेकिन भगवान को क्यों सुना के आए। अरे ये तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य पगली, ये सुने के भगवान की कथा भगवान को ही सुना रहे हम। तू बताओ ना कहा मतलब अपने होशावास में ना है कहा बात है। एक बात बताइए कि बच्चे के भूखे मर जाएं, कम से कम लोगों को सुना के आते तो वो पैसा तो देते तुम्हें। देख तो पैसा देते, कुछ दान दक्षिणा मिलती तुम्हें। देख है? और बच्चे के भूखे मर जाएंगे। अरे जो पगली बच्चा, अरे हमारे पलना रहे बच्चे की बता। बच्चे तो पल रहे हैं, लेकिन खाने के लिए कौन देगा। तो खाने के लिए ना आ रहे घर में है ना। अच्छा आज की खाली शाम को पता नहीं, शाम को खाली सुबह की पता नहीं। देख भगवान जरूर सुनते हैं एक ना एक दिन। अरे ना जाने कब सुनेंगे, फिलहाल तो भगवान जब सुने जब सुने, लेकिन तुम तो सुन लो। तो सबर को फल मीठे हो तो सबर कर ले। अरे कितना सबर करूं, कम से कम 10 साल से जब से तुम्हारी शादी हुई है यही सबर करती आ रही हूँ। अरे तो दोबारा मूड खराब मत करे मेरा, मैं जब भी कभी घर में आऊँ तब तब तू टेंट 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 मेरे कान पे छोड़ के जा। और जिंदगी खराब तो मेरी हो रही है इस घर में। तूने मेरी कर दी है, तूने मेरी कर रखी है। तू जाएगा मेरे, तुम जाने जाऊंगी, मैं तो घर ही में रहूंगी। हाँ तो चल अंदर जा। चल रसीद काट देंगे। अरे वहाँ मंदिर पे पंडित जी भागवत सुना रहे, मंदिर के पीछे खड़े है के पूरी भागवत सुनियाओ। अच्छा भागवत की भागवत सुनियाओ, 1 रुपया का सुनाओ।
अरे लोभी आदमी, मैं तुमते बड़ी दुखी हूँ, सच्ची में बहुत दुखी हूँ मैं। तुम्हारी तो बीवी है कि पछता रही हूँ इतनी। अरे बता, पैसा दे तो आवा सुन, तो जाते तो बगर दे सुन ली, मैंने तो थोड़े बहुत चढ़ा देते तो तुम्हारी जेब खाली ही जाती। हाँ मैं कोई है ही ना वहाँ पे, और कोई चढ़ाई गा रहा है ना। भागवत कौन गा रहा हूँ? पंडित जी बैठे तो पंडित जी दे देते तुम। पंडित जी अकेले भागवत सुना रहे वहाँ पे, जन कौन को सुना रहे? मैं मान लग के नो कान लगा के मैं सुनी आओ तो तुम दे देते पंडित जी। ले पंडित जी, पंडित जी को दे दो। मैं फिर किने देते? अपनी मम्मी है तो हल्ला हो जिम्मे जितने आते उतने ले आओ। जैसे तुम्हारा मन करे वैसे करो। मम्मी है, बहन है, भैया है, पूरे खानदान है तो पेल के दे देंगे। तुम लोग तुम पर पुण्य धर्म ना हो तो जामू पशु पुण्य की बात है। ए जाओ, तुमसे कौन दिमाग मारे। चल पंडिताइन। अरे पंडिताइन सुनते है का? पंडिताइन वेरी नाउ। अच्छा तू मेरे पास नहीं खड़े होगा माली, मैं तो पंडिताइन पंडिताइन चिल्लाए जा रहा हूँ। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, वो मेरा कुर्ता धो दे, मैं मंदिर में जा रहा हूँ। हाँ हाँ, फालतू का साबुन खर्च कर लू है? फालतू फंड में साबुन ना खर्च करूँ? करना कुछ है नहीं, जैसे कपड़े पहन के जाते वैसे ही आ जाते, ही नहीं पहन के चले जाना। अरे वही बात क्या मतलब, पंडित की कोई मतलब वो हद्या ना है तेरे अंदर। अरे हम मतलब जो मतलब कर लेके कपड़े जब तक कमा के नहीं लाओगे घर में कुछ कमाते थे मतलब, वहाँ मंदिर पे जाके बैठ जाएंगे बस। अरे मंदिर पे क्या मिल रहा है तुम्हें? अरे तू बड़ी भावी है भैया, ये बता है भगवान के यहाँ देर है अंधेर ना है पगली? अरे हाँ भगवान के यहाँ तो देर अंधेर ना, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो ना तो देर है ना अंधेर है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास तो। अरे पगली ऐसी बात मत कर, तू एक है हम तेरे जरूर देख एक ना एक दिन जरूर छप्पर फाड़ के दंगे भगवान। न जाने कब भगवान तो जब दंगे दंगे, लेकिन फिलहाल तो तुम ही नहीं दे रहे हो। अरे जब भगवान मुझे दंगे तो मैं तोड़ दूंगा, मैं कहता तो छुपा लूंगा। ये बता जब इतनी साल है गई शादी के लिए, जब तक अच्छी छुपाया मैंने तो ऐसे कभी तक, ये बता। अगर आज घर में पैसा नहीं लाए कमा के तो घर में ना रोटी ना पानी ना कुछ ना जल तक नहीं मिलेगा तुम्हें। मतलब तू हमें ये मतलब वो समझ रही है हुआ? मैं हुआ नहीं समझ रही तुम्हें। घर में अगर पैसा नहीं लाए, पहली बात तो तुम्हारी घर में एंट्री नहीं होने दूंगी, ठीक है? वही बात, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, ऐसे पागल के लिए मुझे मजबूरी है जो रह रही हूँ। अरे चुप रहे तू, ये फालतू बात मत किया। अगर तुम्हें फालतू बात की बात नहीं, देखो पंडित जी अगर हमें गुस्सा आ गया ना तो हम तुम्हें बता देंगे। अरे तू गया तो गुस्सा आ जाएगा, तू हर समय ऐसे मतलब गर्म मूड से क्यों आज मतलब मेरे को गर्म मूड कर देती है तू है का? अरे तुम मेरी जगह होते ना तब तुम्हें पता लगती। अरे तू चुप रहे यादव, बात मत कर यादव है का? पहली बात तो ये है कि अगर आज इस घर में पैसा लेके साथ नहीं आए तो घुसना मत, खैर मना ले। सुन मैं अगर पैसा लेके आयो तो भी घुसूंगा, ना लेके आया तो घुसूंगा, तू अगर ले मेरे घर आए वो तो तुम आके दिखाना जब बताऊंगी तुम्हें। अरे तो देख लूंगा ना, आ भी जाओगे तो ना रोटी ना पानी ना कुछ, अब जाओ चलो। दादा यार मूड खराब करते हैं तुम्हें। अरे सेठानी। अरे सेठानी। हाँ क्या कह रहे हो? क्या कर रही भीतर? कुछ ना कर रही, क्या करूंगी? तुम जो कह रहा हूँ हाँ, कथा सुनने जा रहा हूँ। हाँ। दस रुपया दे दो तो। दस रुपए? हाँ। ये लो 100 रुपए। अच्छा और 100 रुपए चढ़ा के आना। इतने मत दे वे। फिर 10 रुपए दे, तुम इतनी ले जाओ। अच्छा और ये सारे चढ़ा के आना। अच्छा। अब तुम्हारे लोभीपन की हद हो गई है, अब मुझसे बर्दाश्त ना हो रही है। 10 रुपए चढ़ा, तुम इतने दिन से कथा सुन रहे हो, 10 रुपए रोज से भी लगा लो। 90 रुपए वापस ले आऊंगा, 10 रुपए चढ़ा आऊंगा। चुप रहो, सारे चढ़ा के आना वरना आ मत जाना तुम घर की तरफ। अच्छा हाँ बहुत बुरा हो जाएगा। अच्छा जाओ। ये बताइए भोलेनाथ जी, आपके यहाँ पर एक भगत पंडित रोजीना कथा बांचता है जी, क्या इस पर कभी कुछ चढ़ावा अड़ावा आता है, कभी मिलेगा इसको या ऐसे ही मतलब ये परेशान रहेगा? हनुमान जी आप निश्चिंत रहिए, इसके साथ सब चीजें सही होंगी। अभी इसके ये एक महीने से ये परिश्रम कर रहा है ना, इसका हाँ फल इसको अवश्य मिलेगा, क्योंकि तो इसको फल दे ना प्रभु, जल्दी बताओ कौन से दिन देंगे, कब देंगे? आप ऐसे एकदम परेशानी में आ जाते हैं ना, मुझे बड़ी दुविधा लगती है। अरे प्रभु मुझे दिखता है ये पंडित मर जाएगा, इसकी पंडिता इसे मार देगी। नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इसको इसके लिए मैंने कुछ सोच के रखा है। इसको आज 1000 रुपए और दान में मिलेंगे, आप निश्चिंत रहिए। पक्का मिलेंगे 1000 रुपए? पक्का मिलेंगे, एकदम निश्चिंत है। ठीक है निश्चिंत रहिए, 1000 रुपए मिलेंगे। ठीक है प्रभु। पंडित जी तो सौदा करना चाहिए, 1000 रुपया तो जा आएंगे, 500 रुपया चल दे। सेठानी आ गए? हाँ चढ़ाए चढ़ाया है चढ़ाए।
पैसा सपा की कथा सुनी आओ पैसा ले। तुम चुप रहो, तुम्हारी लापरवाही की बात हो गई है। तुम है ना बस खाना खाना जानो, तुम देना ना जानते हो किसी को। और देख एक बात और सीख के आये, कल मिलेंगे पंडित जी 1000 रूपए, 500 रूपए दूंगा पंडित जी है, 500 जाएंगे जेब में। ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? शिक्षा दी पंडित जी ने, पंडित जी ने शिक्षा दी आकाशवाणी फटी। अच्छा ऊपर तो बढ़ गया, 1000 रूपए मिलेंगे पंडित जी। अच्छा अब कल ले जाऊंगा मैं, कल की कथा हो रहा है। तुम काय को इतनी हद कर रहे हो, तुम्हें है ना नरक में भी जगह ना मिलेगी। थोड़ा इंसाफ का खा लो, अच्छा खा लो, ज्यादा हाय माया के चक्कर में पागल मत बनो। और रह गई है, कल 500 रूपए लाए के तो दे दूंगा। मुझे ना चाहिए, मुझे ना चाहिए 1 भी रूपया तुम्हारा। तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा तुम करो, मुझे ना चाहिए। क्योंकि मैं तो भैया धर्म की और कर्म की खाने वाली हूँ, मुझे ना चाहिए तुम्हारा ये 2 नंबर के धंधे का 1 भी रूपया। पंडितों की क्या आत्मा पड़ेंगे, क्या मरेंगे, जाओ तुम्हें तो नरक में भी जगह ना मिलेगी आदमी। अरे पंडितायन, अरे पंडितायन। हाँ जी बोलो। अरे पंडितायन का अब घर पे आयो, मैं का बोलो। अरे वो तो मुझे पता है कि तुम घर पे आयो। हाँ तो कहीं वहां से बाहर से नहीं आए, कहीं मेहनत करके नहीं आए? अरे तो पता है कि घूम घाम के आ गए होंगे। तुझे पागल है रे, क्या बात है, मुझे बताए है जी मेहनत ना है, जी मेहनत ना है। बताओ कुछ कमा के लाए है, कुछ कमा के लाए। अरे भगवान देगा, देगा, सबर कर, सबर कर ले। अरे तुम्हारे और तुम्हारे इस भगवान के चक्कर में ना मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ये भगवान का सबर ही कभी वो खत्म नहीं होगा, देख है ना। जे तेरी बुद्धि में अटक गई है कि तू भगवान को नहीं मानती, अगर भगवान को जब है भगवान को कौन नहीं मानता, हम मानते हैं। तू कहाँ मानते है, तू माला, तूने कभी माला करी है? माला करी है कभी? कभी मैंने जिंदगी में माला करती हुई नहीं देखा। तुम्हारे पास तो कोई काम है नहीं है? तुम्हारे पास कोई काम नहीं भाई, मुझे तो घर में 100 काम। अरे तू जाके देख, मेरे से टेंशन मत कर, मुझे तो घर में 100 काम है। तू हाँ सही है पंडित, राम राम कैसे लड़ रहे हो? अरे राम राम सेठ जी, राम राम, राम राम कहावत है ही, कैसे लड़ रहे? अरे सेठ जी क्या लड़ रहे हैं, देखो जे हमारी पंडिताएं नथकाए हैं, लोग जे हमेशा पैसे के ऊपर मरती हैं। अरे चुप रहो, तुम ही बताओ सेठ जी, 1.5 महीना हो गया 1 रुपया कमा के नहीं दिया, मंदिर बजाते बैठ बाट के आ जाते, मंदिर बजाते बैठ बाट के आ जाते। तो कथा तो रोज कर रहे हैं जे भाई सेठ जी, बताओ। अरे तो कथा रोज कर रहे हैं तो पैसा क्यों नहीं आ रहा? तो फिर एक काम करो, कल की कथा हो रहा है पंडित जी। हाँ ठीक है, कल की कथा हो रहा है तो 500 रूपया तो मैं दे दूंगा तुम्हें। अच्छा हाँ, और जो भी कछु आवे को सब मेरो। अच्छा हाँ जी, मतलब 500 रूपया तुम वो दे दोगे, दे दूंगा तुम्हें, और जो चढ़ावा है वो तुम्हारा सब मेरो। सेठ जी ये का, ये का, ये अरे चुप रहो जी, एक तो कुछ कमा के नहीं लाते। हाँ मुझे मंजूर है, 500 रूपए मंजूर है। हाँ मंजूर है, देख लो पहले फिर। हाँ ला लो, तुम मुझे अभी दे जाओ। चुप रहो, तुम मुझे अभी दे जाओ, बात की बात छोड़ो। ये ध्यान रखियो, जितनों भी आवे को चढ़ाव फड़ाव जो भी माल टाल आवे वो सब मैं ले जाऊंगा। अरे हाँ तुम फिलहाल तो हमें दे जाओ, लो 500 रूपए लो। दे मैं तुझे फिर मना करूं, काई बात है, तुम कुछ ला देता हो नहीं, और जो घर में आ रहा उसे भी वापस कर रहे हो। लो पंडिताई लो 500 रूपए, ठीक है? हाँ अब ध्यान रखना, एक बार फिर कह रहा हूं तो। अरे तुम चुप रहो, तुम्हारी बुद्धि से चल रही हूं तो आज घर का परपटा हो जाएगा। सही है भैया, तू जैसा काम करे वो अपने मंदिर सही कर। ठीक है, धन्यवाद सेठ जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। राम राम। ठीक है, ठीक है पंडित जी, राम राम। राम राम सेठ जी। देखा समझ में आए, मतलब घर में लक्ष्मी आ रही है, चल के खुद उसे धक्का दे रहे हो। यही तो दिन है, अभी तो देखना कटोरा लेके भीख मांगोगे तुम। मेरी अकल से चलो, मेरी अकल से। तेरी अकल से चलेंगे तो भाई साहब जरूर हम भीख मांगेंगे, जरूर। मेरी अकल से चलोगे तो तुम्हें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं तुम्हारे दिमाग से चली ना, तुम्हारे भरोसे रही, तुम्हारे बच्चों को लेकर सड़क पर रुक जा। अब जो सेठ जी आज को तो 500 रूपए दे गए, कल को इनको दिमाग पलट गया कि पैसा दे तो हम तो भैया भिखारी बन जाए, तो घर पर लुट जाओ। अरे ऐसे कैसे दिमाग पलट गया, जो आदमी अपने मुंह से कह रहा है वो कैसे कह सकता है? अरे भैया तो मतलब आज को कलयुग चल लो तो ना मालूम। अरे तुम्हारा कलयुग, तुम ना इन बातों में बताऊं क्यों करते हो, क्योंकि तुम मंदिर में बैठे बैठे और तो कुछ बस फालतू की बातें, ये कलयुग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये दिमाग ये चलती है तेरे ऊपर। कलयुग का वास हो गया है, हमें मत वास करवा। अरे तुम जाओ जाओ, जाओ। राम 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 राम, घोर कलयुग, घोर कलयुग प्रभु, घोर कलयुग। अरे पंडित जी, अरे पंडित जी, अरे हाँ सेठ जी, चलो चलो मंदिर में चलो। हाँ अरे बहुत बढ़िया सेठ जी, तुम बुलाने आगे चलो। हाँ चलो चल, आओ चलो कथा मानसेंगे। चलो पंडित जी चलो। हाँ चलो 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 फिर आज की ध्यान है ना, ध्यान है सेठ जी, चढ़ाओ आओ समीर हो बिल्कुल। अरे सेठ जी ध्यान है, चलो आओ सेठ जी, बैठो बैठो।
हाथ जोले पर हुए। जय हो, जय हो। चलो बैठो। और सेठ जी हम आपको कथा सुनाते हैं। सुनाओ सुनाओ। और कथा का महत्व तो भजनों के द्वारा है। अच्छा अच्छा सुनाओ। ठीक है। और कथा हमारे मतलब ताली का साथ देना। ठीक है। अच्छा अच्छा सेठ जी। अरे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। तो सेठ जी कथा पूरी हुई। पूरी है गई। हाँ अभी तो कछु आ बिना चढ़ा फड़ाओ। तो यहाँ पे का कछु आ तो सेठ जी यहाँ कुछ नहीं आता। यहाँ तो कोई मतलब कोई पब्लिक भी नहीं है जो के मतलब कोई दान दक्षिणा दे, कुछ नहीं आता सेठ जी यहाँ पे। अच्छा बिल्कुल। कल तो आकाशवाणी फट रही थी, 1000 रुपए मिलेंगे कब वो मिलेंगे। अब देखो आकाशवाणी तुमने सुनी होगी, मैंने नहीं सुनी सेठ जी। अब मैं इसके बारे में कुछ आपसे कह नहीं सकता संक्षिप्त में। अच्छा तो फिर तो तुम भी झूठे हो जैसे सब। पंडित जी। हाँ सेठ जी। चढ़ा फड़ा तो आना है सेठ जी। यहाँ कोई चढ़ा फड़ाया नहीं आता सेठ जी। हमने तुमसे पहले कह दिया कथा कथा के जब कथा समापन हुई थी तभी हमने आपको बताया था। आपने जब भी पूछा था तो यहाँ कोई चढ़ाया नहीं आता सेठ जी। तो मेरे तो 500 रुपए चले गए फ्री फंड में। अब सेठ जी ये तो बस कृपा रखो। कृपा का रखू मैं? तुम झूठ बोलती हो। तुम 500 रुपए चले गए मेरे। अरे नहीं सेठ जी, तो कौन झूठ बोला था। ईश्वर पे विश्वास रखो, ये सब कुछ करने वाला। 1000 रुपए भी मिल लेते। आकाशवाणी फटी थी, मंदिर फटा था, ये सब ये कुछ नहीं आया अभी तक। अरे सेठ जी नाराज क्यों हो रहे? ईश्वर पर नाराज होना। अरे सब ईश्वर पूछो, सब बेकार है, कुछ नहीं है वो। कुछ ईश्वर विश्वर नहीं है। साले को मंदिर को तोड़वाऊंगा मैं कल इसको यहाँ मंदिर को हटवाऊंगा इसको। अरे ना 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 सेठ जी, ऐसा ना करिए ना, 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 ना सब हटवाऊंगा सब। अरे सेठ जी ये दुर्वचन क्यों बोल रहे हैं आप? ये सब हटवा दूंगा सब। अरे सेठ जी अपनी जवान को संयम दीजिए। सेठ जी अरे सेठ जी। अरे पंडित जी क्या हो गया? अरे हाँ बेटा सेठ जी मतलब पता नहीं क्या हो गया। अच्छा अभी हम कथा सुना रहे थे सेठ जी को, तो मतलब इन्होंने ऐसी मतलब पता नहीं क्या मन में आ गया कि मतलब ऐसे कह रहे थे कि मैं मंदिर तोड़वा दूंगा, भगवान झूठा है, ये है। पंडित जी आपको एक बात बताऊं, ये आदमी इतना लोभी है, जब भी मैं पहली बार इससे मिला तो ये मुझसे बोला कि वहाँ कथा हो रही है। पंडित जी मैं तो इस आदमी से मैं खुद ही उस दिन दुविधा में था कि ये आदमी इतना विचित्र कैसे है। भगवान के नाम पे बोल रहा था कि फ्री में कथा सुनेंगे और वहां पे जो चढ़ावा है कोई 1000 रुपए की मुझसे बात भी बता रहा था ये। अब पता नहीं क्या है इसकी लीला यही जाए। तो फिर क्या किया जाए पंडित जी? अब इनको ऐसा करते हैं इनके घर ले चलते हैं। अरे बेटा हाँ जी आपने ठीक कहा, लेकिन बेटा ये पता नहीं कैसी कैसी बात अब भविष्यवाणी हुई। ये करते भविष्यवाणी। अब मतलब भविष्यवाणी कैसी? इनको ऐसा भविष्यवाणी कोई सुनाई दी होगी कि तुझे 1000 रुपए वो होंगे या 500 रुपए आपको। इनको मतलब जी बता रहे थे एक है, और हमारी जो पंडिताइन है तुम्हारी तो वो एक है, उनको 500 रुपए दे आइए। तो फिर 1000 रुपए की बता रहे थे। 1000 रुपए बता रहे। और यहाँ आ गई मुझे सारी दुविधा। यहाँ आके ये बोलने लग गए कि सारा चढ़ावा मैं लूंगा। हाँ तो इनको पंडित जी को अभी घर लेके चलो। चलो चलो पंडित जी ले चलो। चलो पंडित जी चलो। चलिए सेठ जी चलो। सेठ जी चलो। अरे सेठ जी, सेठ जी तुम्हें कहा है वो? अरे पंडित जी कहा है वो ने? बस सेठाइन के मतलब क्या हो गया? दादा हूँ सारी बात संक्षिप्त में। इन्होंने कोई आकाशवाणी सुनी थी, आपको बताया भी होगा शायद। तो इनको मिलने थे क्या पंडित जी के हक का पैसा ये मारना चाह रहे थे। अच्छा लोभी तो हटाए थे। लोभी तो है ही है बस वही तो। अरे अरे सुनो सीधे खड़े। हाँ ऐसा था देखो सेठाइन, मैं बताऊँ। उस दिन ये आए थे हमारे घर पे, तो इन्होंने मुझे 500 रुपए दिए थे। इन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं 500 रुपए तुम ले लो, जितना भी मंदिर पे चढ़ाएगा वो मेरा होगा। अब ये बताओ करना क्या है? करना कुछ नहीं है, आप जाके 500 रुपए ले आइए और अपने अपने हाथों से और भगवान का नाम लेके पंडित जी के या पंडितानी के हाथ में। अच्छा, दे दीजिए ये सही ले लो। पंडितानी ले लो, तुम इन्हें पंडित जी सही भगवान जी का नाम ले लो। भगवान जी का नाम ले लो। जय हो जय माता की। जय पंडित जी की। बोलिए राधा रानी की। जय सेठ जी तुम सही हो? सेठ जी आराम है? ठीक है आप? अब ठीक है सेठ जी सही हो? तभी तो कहते हैं कि इतना लोभी होना। तुम्हें तो बहुत कुछ हो गया था अभी। सही हूँ मैं तो। हाँ सही हो। 500 रुपए के लोभ के चक्कर में 1000 रुपए को सत्यानाश कर दो। रोज कहती 100 रुपए चढ़ाओ 50 रुपए चढ़ाओ, तुम्हारे लोभ ने सत्यानाश कर दो। पूरे घर को पटपरा करके फेंक दो, इतना लोभ करना भी सही ना है। हाँ सेठ जी मैं आपसे दोबारा समझा रहा हूँ कि हमेशा दान पुण्य करो जितना हो सके अपने। और तुम भी अपने अंदर बुद्धि डाल लो, जब वो कर रहे थे तो समझा नहीं सकते थे क्या? मैंने पंडिताइन इनको समझाया था लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि
ये कलयुग का भाव है, इनके ऊपर कलयुग आके विराजमान हो गया और इनको अशुभ अशुभ बातें, इनको मतलब धन की कमाई होने लग गई। चलो ठीक है, अब जो भी हुआ वो हाय माया है, हाय माया है, खानदानी इनका हाय माया वाला है, मिल जाए पर जाए ना। सेठ जी मैं तुम्हें फिर भी समझा रहा हूँ कि आप संयम से रहें, प्रभु का भजन करें, माला किया करें और दान पुण्य किया करें।